न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं सत्ता की, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनाव प्रचार प्रसार करने विशेष विमान से सतना पहुंचे। सबसे पहले सिंधी समाज के वोट को साधने के लिए वो सिंधी कैंप स्थित बाबा मेहर शाह के दरबार में माथा टेके और चादर चढ़ाई। इस दौरान टाउन हॉल ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश को देश की भ्रष्टाचार की राजनीति बना दिया है। इस दौरान कमलनाथ ने ऐलान किया कि एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सतना के शहर संग्राम में चुनावी सभाओं का दौर जारी है। बीजेपी की ओर से जहां बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह की सभा की गई थी, वहीं आज कमलनाथ सभा करने सतना पहुंचे। टाउन हॉल ग्राउंड में आयोजित चुनावी सभा में कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह ने प्रदेश को देश में भ्रष्टाचार की राजधानी बना दिया है। शिवराज सिंह का मुंह बहुत चलता है, मुंह चलाने से प्रदेश नहीं चलता। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को कलाकारी बहुत आती है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता और ये मैं खुद स्वीकार करता हूँ। ये चुनाव देश और प्रदेश का नहीं बल्कि आपके सतना नगर के विकास का चुनाव है, फैसला आपको करना है। उन्होंने कहा कि हमने सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को इसलिए लड़ाया है कि आपका भ्रष्टाचार खत्म करना है। कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा कि शिवराज जी कान खोल कर सुन लीजिए, इस बार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और तब हम सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ मिलकर सतना का विकास करेंगे। इसके साथ ही सतना में नगर निगम के पूर्व महापौर पुष्कर सिंह तोमर ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ले ली। आपको बता दें कि पुष्कर ने पिछले दिनों बसपा से इस्तीफा दे दिया था और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि निकाय चुनाव के इस दौर में हाथी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। मंच से पुष्कर सिंह तोमर ने भाजपा को निशाने पर भी लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रम फैलाती है, मैं भी उस भ्रम में पड़ा रहा लेकिन अब किसी तरह से उससे बाहर निकलकर यहां पहुंचा हूं। तोमर ने कहा कि भाजपा ने खुद कैलाश विजयवर्गीय कृष्ण मुरारी मोघे को विधायक रहते महापौर बनाया लेकिन अब ये पूछ रही है कि सतना में विधायक को मेयर का टिकट क्यों दिया। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह तोमर भाजपा के जिला महामंत्री रह चुके हैं। कई बार पार्षद रह चुके तोमर ने वर्ष 2014 में बसपा के टिकट पर महापौर पद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उन्होंने भाजपा में वापसी कर ली थी पर वो वहां ज्यादा दिन टिके नहीं। वहीं 2018 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और तभी से उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी। इस बार नगर निगम चुनाव का ऐलान होने के बाद से वो फिर से सुर्खियों में आए और आखिरकार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी विधायक थे और साथ ही मंत्री महापौर भी थे। ये जो भाजपा के लोग सत्ता में भ्रम फैला रहे हैं, एक विधायक को महापौर क्यों बनाया, तो इससे आप सचेत रहें, भ्रम फैलाने में वो माहिर है। मैंने भी समय गुजारा है।